ही कंपनी का मुखिया दाऊद इब्राहिम का मुंबई के अंदर से अब साम्राज्य खत्म हो चुका है। पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से NIA और ED की टीम दाऊद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उससे यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि अब मुंबई में दाऊद का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। हालांकि मुंबई के अंदर अभी भी दाऊद के लोग हैं, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि कोई भी खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। दाऊद के सबसे नजदीकी उसके भाई इकबाल कासकर और भांजे अली शाह पारकर लगातार NIA के रडार पर बने हुए हैं। इसलिए दाऊद अब एक और गेम खेलने की तैयारी कर रहा है और उसके निशाने पर है दिल्ली NCR के गैंगस्टर। दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना दाऊद का नजदीकी माना जाता रहा है, लेकिन अब वह बवाना से हटकर लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि भारत में उसका अस्तित्व बचा रह सके। क्या है इस दोस्ती के मायने, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bezorjora.com का YouTube चैनल। दाऊद इब्राहिम चाहे जहां भी रहे, लेकिन उसकी नजर हमेशा भारत पर ही होती है। वह चाहे दुबई में बैठा हो या फिर पाकिस्तान में छुप कर रह रहा हो, वह हमेशा ही हमारे देश भारत में दहशत फैलाने के मंसूबे पालता रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने पाकिस्तान के बाहर डी कंपनी के एक बड़े शख्स से मुलाकात किया है। इस बात का दावा भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज के सूत्रों ने भी किया है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का कजन है और वह काफी समय से देश से भागा हुआ है। पिछले साल कैलिफोर्निया में एक शादी के फंक्शन से उसकी कुछ फोटोज सामने आई थी। इसके बाद अब इंटेलिजेंस एजेंसीज का यह नया दावा बेहद चौंकाने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डी कंपनी और बिश्नोई के बीच पनप रहे इस दोस्ती का मकसद क्या हो सकता है। अभी के समय में लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में बिश्नोई भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर सामने आया है। उसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं और देश के कोने कोने में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। हर बड़े अपराध के पीछे उसके गैंग का हाथ होता है। दाऊद की जड़ें पिछले कुछ समय में देश से उखड़ती जा रही है। डी कंपनी का अब यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है जो उसके धंधे को सही से संभाल सके। ऐसे में दाऊद को देश में फिर से अपने पैर पसारने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता तो होनी ही थी। इसलिए वह लॉरेंस बिश्नोई के मदद से एक बार फिर डी कंपनी को यहां पर एस्टेब्लिश करने का प्लान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का दाऊद से दोस्ती करने से होने वाले फायदे भी जान लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर काम करता है। इसके गैंग का मकसद शुरू से ही अपनी ताकत दिखाना रहा है। दाऊद का नाम गैंग से जुड़ने पर ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट का दुनिया में नाम होगा। इसके अलावा लॉरेंस और उसके गैंग को लगातार नए नए हथियारों और पैसों की आवश्यकता होती है, जिसे डी कंपनी आसानी से पूरा कर सकता है। इसी मकसद से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग डी कंपनी से हाथ मिलाने का सोच रहा होगा। ये तो वो बातें हैं जो दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दोस्ती की अहम वजह बनी है, लेकिन दाऊद का इस दोस्ती के पीछे उसका छुपा हुआ मकसद शायद लॉरेंस बिश्नोई को समझ ना आया हो। एक्चुअली सालों तक मुंबई शहर पर राज करने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद लॉरेंस बिश्नोई को मोहरा बनाकर अपना छुपा हुआ मंसूबा पूरा करना चाह रहा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक एक बार लॉरेंस के जरिए उसके गैंग में अगर डी कंपनी ने एंट्री कर ली तो वह इस गैंग पर कब्जा कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही जेल में बंद है, उसके ऊपर अगर और सख्ती की गई तो उसका गैंग कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में इसका फायदा मिलेगा दाऊद को और फिर दाऊद इस गैंग के जरिए खुद को देश में फिर से एक बार जिंदा कर सकता है।
अभी पिछले महीने दाऊद के दूसरी शादी की बात भी सामने आई थी। दाऊद इब्राहिम की पहली पत्नी का नाम महजबी है और वह मुंबई की रहने वाली है। दाऊद के भांजे अली शाह पार्कर ने मुंबई में NIA की पूछताछ में बताया था कि दाऊद की दूसरी शादी उसकी महज एक चाल है, इसके अलावा कुछ और नहीं। उसने अपनी दूसरी शादी इस मकसद से की है कि वह जांच एजेंसियों का ध्यान उसकी पहली पत्नी महजबी से हटवा सके। अली शाह पार्कर जुलाई 2022 में दुबई में अपने काम के सिलसिले में गया था, वहीं पर वह महजबी से मिला था। इस मुलाकात में महजबी ने ही बताया था कि दाऊद ने दूसरी शादी कर ली है। वह लड़की पाकिस्तान में रहने वाले एक पठान परिवार से आती है। यह काफी हद तक संभव है कि डी कंपनी भारत में दोबारा अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली NCR में बिश्नोई गैंग और बवाना गैंग का राज चलता है। बाकी जितने भी छोटे मोटे गैंग है वो इसी दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से इंटरव्यू लिया गया था और इस बात की खबर अभी तक किसी पुलिस वालों को नहीं हुई कि आखिर यह इंटरव्यू किस जेल से किया गया था। हालांकि उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने एक देशभक्त होने की बात को एक्सेप्ट किया था और वह कहा था कि वह देश विरोधी ताकतों से कभी भी हाथ नहीं मिलाएगा। ऐसे में अब यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि दाऊद, जो कि देश का दुश्मन नंबर वन है, उससे वह किस तरह से डील करता है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने उस इंटरव्यू में खालिस्तान को समर्थन ना देने की बात भी कही थी। साथ में उसने यह भी कहा था कि खालिस्तान देश को तोड़ने की एक साजिश है और मैं ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं देना चाहूंगा। इसीलिए अब इस बारे में तो एक पुख्ता खबर का इंतजार ही किया जा सकता है कि लॉरेंस और उसका गैंग दाऊद से दोस्ती के बारे में क्या सोच रहा है। तो यही थी पूरी जानकारी दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई के बीच पनप रहे तथा कथित दोस्ती की। इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।